दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, क्योंकि इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, जिस वजह से अब कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। ऐसे में भारत सहित दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील देने लगे हैं। लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी ये दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी खत्म कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। हर बार कोरोना एक नया अवतार लेकर सामने आता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये लास्ट होगा और इस बार से कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो बेहद जानलेवा है और सोचनीय भी है। WHO के कोरोना वायरस तकनीक प्रमुख मारिया वॉन ने दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा प्रभावी होगा और शक्तिशाली होगा। ये वेरिएंट इसलिए भी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये मौजूदा वेरिएंट को ओवरटेक करकर बना होगा, इसलिए इसकी शक्ति पहले से ज्यादा बेहतर होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो कोई भी वायरस प्रकृति में सर्वाइव करने के लिए खुद में बदलाव करता रहता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव काफी कम होते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से वे और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि अगर कोरोना का एक और नया वेरिएंट आता है वो तो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वो ओमिक्रॉन को ओवरटेक करके बना होगा, जो बेहद सोचनीय है। तो वहीं भारत में अगर कोरोना वायरस के नए मामलों की बात करें तो अगले 24 घंटे में भारत में 71,365 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 8,92,828 हो गई। तो वहीं अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना से गंवा चुके हैं, जो बेहद खतरनाक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर। और अगर आपने अभी तक पब्लिक न्यूज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, ताकि आप किसी भी जानकारी से पीछे ना रह जाएं।